अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? से उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं चने के कबाब, कीमे के कबाब, आलू के कबाब, चिकन के कबाब, सारे आपने सुने, लेकिन फ़र्स्ट टाइम आप देखेंगे चने के कबाब हम कैसे रेडी करते हैं। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की जानब। इसमें हमारे रहीम यहाँ पर सबसे पहले लिए थे हरी मिर्च जो आपका ली थी, मैं दो दर ली थी। साथ ही मैंने एक चम्मच के बराबर लिया है नमक, हंस पे ज़रूरत आप शामिल कर सकते हैं। आधा चम्मच हमने गर्म मसाला और एक चम्मच हमने सूखा धनिया पाउडर लिया है इसमें, और एक चम्मच हमने ली है लाल मिर्च, और थोड़ा सा हमने लिया है पुदीना, एक अदद हमने प्याज लिया था जिसको मैंने ब्रेक भी चॉप कर लिया है। साथ ही हम ले रहे हैं एक अदद अंडा, ये ऑप्शन है, चाहे डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहते तो नहीं डाल लीजिएगा। यहाँ पे चने लिए हैं जिसको मैंने अच्छी तरह से उबाल लिया था और उसको मैंने मैश कर लिया अच्छी तरह से, और साथ ही मैंने दो अदद आलू लिए थे जिसको बॉयल करके इसको भी मैंने मैश कर लिया है। ये सारी चीज़ें आपको मैं बता चुकी हूँ, इन दोनों चीज़ों को मैंने उबाल के दोनों को मैश कर लिया था। अब इन दोनों चीज़ों को हम एक छन्नी देंगे, उसमें से हम दोबारा इसको प्रेस करके निकालेंगे ताकि और इसका जो पेस्ट है और ज़्यादा बारीक हो जाए, ताकि इसमें देख सकते हैं थोड़े बहुत चने या कोई भी चीज़ होगी वो भी प्रेस हो जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं आलू भी मैंने इस तरह से निकाल लिए हैं और चने भी इस तरह निकाल, कितना ही सॉफ्ट हमारा ये पेस्ट रेडी हो चुका है। इसमें मैं शामिल करूँगी जो चीज़ें बाकी रह चुकी थी, प्याज और सारे स्पाइसेस वगैरह जितने भी हैं वो सारे हम इसमें शामिल कर देंगे। ये रेसिपी बहुत ही सिंपल है, लाजमी ट्राई कीजिएगा। जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आया है तो मेरे चैनल को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा, और ताकि आने वाले तमाम वीडियो के अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकें। तो यहाँ पे सारे स्पाइसेस मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। पुदीना इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके सुखा के फिर इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि पानी होगा तो वो जो टिक्कियाँ होंगी वो ज़्यादा नरम हो जाएंगी। तो अंडा ऑप्शनल, अगर डालना चाहें डाल सकते हैं, अगर आप नहीं डालना चाहते तो ना डालिएगा। अब इन सारी चीज़ों को हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे हाथों की, मैं सब इनका मिक्स करेंगे ताकि इसमें सारे स्पाइसेस और जो जितनी भी हमने इसमें चीज़ें डाली हैं अच्छी तरह से यकजान हो जाएँ। ये रेसिपी बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है और मज़े की बहुत ज़्यादा है। अब लाजमी इस रेसिपी को ट्राई करना है, ट्राई करके मुझे फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। तो इस तरह से सारे मसाले को इस तरह से मैंने मिक्स कर लिया है, देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ये सॉफ्ट हो चुका है। ऐसा इसको मिक्स करने के बाद अब मैंने एक छुरी ली है जिसमें मैंने टिक्कियों का सांचा बाजार से मिलता है, आप उससे भी बना सकते हैं। मैंने ट्रे पर पहले ऑयल लगा दिया था अच्छी तरह ताकि हमारी टिक्कियाँ चिपके नहीं, अगर चाहें तो आप हाथ से भी बना सकते हैं, लेकिन कुछ मैं इस तरह बनाऊँगी, कुछ मैं हाथ से भी आपको बना के दिखाऊँगी। इसको मैं सारा प्रेस करके अच्छी तरह से, इससे ये होता है कि एक जैसी टिक्कियाँ सारी रेडी हो जाती हैं, कोई भी बड़ी मोटी कुछ नहीं होती, सारी एक जैसी ही तैयार होती हैं। तो थोड़ी सी हम इससे बना लेंगे और थोड़ी हम हाथों से भी बना लेंगे। देख सकते हैं सारी एक जैसी तैयार है साइडों से। इस तरह से हम सारी अपनी जो टिक्कियाँ वो तैयार कर लेंगे। इस तरह से हम सारे बनाते जाएंगे, कुछ हम इस सांचे से बनाएंगे, कुछ हम हाथ से बनाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ मैंने यहाँ ये जो एक लाइन है ये मैंने सांचे से बनाई जो एक जैसी बनी है, ये जो सारी बाकी मैंने। अब इनको हम फ्रीज़र में रख देंगे 10 से 15 मिनट के, हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे। फ्रीज़र में रखने के बाद जब हम 10 मिनट 15 मिनट गुजर जाएंगे उसके बाद हम इनको फ्राई करेंगे। 15 मिनट हमने इसको फ्रीज़र में रख दिए, उससे पहले हम इसकी ना जो कोटिंग करनी है वो तैयार कर दी है। हमें 2 चम्मच मैदा लिया था जिसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के उसको इतना सा लिक्विड मैंने तैयार कर लिए। ये ब्रेड क्रम्स है, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, ये होममेड मैंने बनाए थे, तो आप भी होममेड बना के ही इसको फ्राई कीजिएगा। बाज़ार से आते हैं तो लाने, लेकिन जो होममेड चीज़ की जो लुक आती है वो बाज़ार की लुक से डिफरेंट होती है। तो इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में मैं इसके लिंक शामिल कर दूँगी। इससे पहले आपने उसको मैदे के जब हमने पेस्ट रेडी किया था उसमें डिप करना है, फिर हमें इसे ब्रेड क्रम में इस तरह से चारों तरफ से ब्रेड क्रम लगा के फिर हम इसे आयरन में डाल के फ्राई करेंगे। अब हम इसको डीप फ्राई करेंगे, फुल फ्राई नहीं हमने करना कि ज़्यादा घी डाल के हमने इसको फ्राई नहीं करना, थोड़ा सा कम ही जो कि आयरन में शामिल करके उसको हमने फ्राई करना है। तो यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं, लो फ्लेम पर ही आपने इसको पकाना है। तो माशाल्लाह 5 मिनट गुजरने के बाद देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी ही ज़बरदस्त की लुक आई है। इसी तरह से हम 5 मिनट दूसरी साइड पे देंगे, लो फ्लेम पे आपने इसकी मतलब के रखना है, आपने इसको ज़्यादा देर ज़्यादा तेज़ आंच पे इसको फ्राई नहीं करना, वरना ये ज़्यादा डार्क ब्राउन हो जाएंगे और मज़े के भी नहीं लगेंगे, एकदम से वो पक जाएंगे। तो ये आस्ता आस्ता पकने चाहिए, देख सकते हैं कितने ही ज़बरदस्त हमारे ये चना के कबाब रेडी हो चुके हैं, बहुत ही मज़े के हैं। लाजमी ट्राई कीजिएगा, रेसिपी पसंद आए तो अपने फ्रेंड के साथ फैमिली मेम्बर के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।